कोविड-19 की रोकथाम में लगा रहा, जिसे 2022 में स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 17 डिपिथीरिया के रोगी और मिजिलिस के 68 और रूबेला 15 रोगी मिले थे। 2023 में मिजिलिस के 10, रूबेला का 1 सीतापुर जिले में पाए गए। वहीं जिले में आशाओं के सर्वे में पेंटा 1 15,549, पेंटा 2 के 13,634, पेंटा 3 के 13,567, एमआर 1 के 16,456, एमआर 19,220 बच्चों के टीके छूट पाए। साथ ही उत्तर प्रदेश में बीमारियों की संख्या काफी बड़ी है, जिसकी रोकथाम के लिए विशेष टीकाकरण पखवाड़ा चलाकर गर्भवती माताएं और बच्चों का अभियान चलाकर टीकाकरण कराने का स्वास्थ्य विभाग ने लक्ष्य रखा है। ये टीकाकरण रूटीन टीकाकरण है जो कि गर्भवती महिलाओं को लगता है और बच्चों को 12 तरह की बीमारियों से बचाने के लिए लगता है। ये वो टीकाकरण है और अभी हमारे पास कोविड की बूस्टर डोज भी आ गई है कुछ, तो हमारा ये आप लोगों से सभी से अनुरोध रहेगा कि जो लोग भी बूस्टर डोज लगवाना चाहते हैं या जो बच गए हैं रह गए हैं।